आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। आगरा कॉलेज में नए प्राचार्य के रूप में डॉक्टर शीलवंत कुमार मिश्रा ने पदभार ग्रहण कर लिया है। उनका कहना है कि कॉलेज में सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएंगी और जल्द ही बच्चों के बैठने के भी इंतजाम किया जाएगा। 1986 से आगरा कॉलेज के रसायन विभाग में अध्यापन का कार्य कर रहे डॉक्टर एस के मिश्रा ने आगरा कॉलेज के प्राचार्य का पदभार संभाल लिया है। निवर्तमान प्राचार्य डॉक्टर रेखा पत्सारिया के सेवानिवृत्त होने के बाद डॉक्टर रेखा पत्सारिया ने डॉक्टर एस के मिश्रा को आगरा कॉलेज के प्राचार्य का पदभार सौंप दिया है। प्राचार्य पद ग्रहण करते ही डॉक्टर मिश्रा ने महाविद्यालय के संस्थापक और महान ज्योतिषाचार्य गंगाधर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए, कॉलेज के काम सबसे पहला है कि एडमिशन हो जाए, क्योंकि लेट हो गया एडमिशन। कोविड नहीं होता तो जुलाई अगस्त में एडमिशन हो जाता था, सितंबर बीत गया। अब कोशिश ये हो जाए कि जल्दी से जल्दी एडमिशन हो जाए कॉलेज में, और उसके बाद पढ़ाई का आप जान रहे हैं जो पूरे भारत में चल रहा है कि ऑनलाइन पढ़ाई की यहाँ कोई व्यवस्था हो जाए, उसके लिए कोई ऐप डेवलप हो जाए, वो सब काम पाइपलाइन में उसे पहले से ही शुरू कर दिया है। बातचीत की है लोगों से कि कैसे एक अपना बन जाए जिससे कि लोग घर बैठे ही पढ़ाई शुरू कर दें। तो यही है बेसिकली कॉलेज के काम, तो हमें लगता है कि यही है, पढ़ाई हो मेन काम तो ये है। नहीं, प्रायोरिटी तो सर पढ़ाई ही है, कॉलेज बना ही पढ़ाई के लिए है और सब काम सब सेकेंडरी है। एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव कुल मिला के यही है कि कोशिश की जाए कि जो सीनियरिटी है उसको फॉलो किया जाए, जो जिस लायक है उसको उसका काम दिया जाए। कोई मना करे तो अलग बात है, नहीं जो सीनियर है तो उसको काम मिलना चाहिए उसके हिसाब से। डॉक्टर एस के मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कॉलेज में कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत जल्द से जल्द प्रवेश प्रक्रिया कराना और कॉलेज में सुचारू रूप से कक्षाएं प्रारंभ कराना उनका लक्ष्य है। चीजें बहुत हैं क्योंकि कि कॉलेज तो एक चलती हुई चीज है और इसमें तो आए दिन चैलेंजेस आते हैं, हर दिन एक कोई नया चैलेंज प्रिंसिपल के सामने आता है। लेकिन जो मेरा समय था उसमें जो दो तीन चीज़ों का समय था, एक एडमिशन और एग्जामिनेशन, वो लगभग पूरी होने की प्रक्रिया में है। तो जो दो चुनौतियां मिलती हैं प्रिंसिपल को वो शायद लगभग पूरी होने की दिशा में है। तो वहाँ कोई नया अभी ऐसा चैलेंज नहीं है, लेकिन कॉलेज चलाना अपने आप में एक पूरा चैलेंज है। कॉलेज की जो आंतरिक व्यवस्था है उसको संभालना, नए सिरे से वित्तीय समस्याओं को संभालना, क्योंकि कॉलेज इस समय वित्तीय समस्याओं से भी गुजर रहा है, क्योंकि कोरोना का जो प्रभाव है सबसे ज़्यादा आर्थिक स्तर पर पड़ा है। और जो सेल्फ फाइनेंसिस कोर्सेज हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं संविदा पर, उनको वेतन संबंधी जो भी शिकायतें हैं उनको लेकर जो समस्याएं एक प्राचार्य के सामने हमेशा आती रही हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव की बहुत बड़ी ज़रूरत है, बहुत बड़े स्केल पर एक बदलाव की ज़रूरत है। और वो ज़रूरत मुझे लगता है व्यक्तिगत स्तर पर है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ हर कर्मचारी को ये समझना होगा कि ये कॉलेज हमारी संपत्ति है। इसका मतलब यह है कि इसको रखने की, इसको व्यवस्थित रूप से चलाने की जिम्मेदारी भी हमारी है, क्योंकि जो चीज़ हमारी होती है उसको चलाना और उसको उसका सही उपयोग करना ये हर व्यक्ति का अपना एक निजी दायित्व बन जाता है। वहीं कॉलेज की पूर्व प्राचार्य डॉक्टर रेखा का कहना है कि कॉलेज में कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाए रखना ही प्राचार्य का मुख्य उद्देश्य होता है और कॉलेज की वित्तीय मामलों पर कड़े फैसले लेना है और कॉलेज की वित्तीय मामलों पर कड़े फैसले भी लेना कॉलेज प्राचार्य का कर्तव्य है। संदीप शर्मा, सी न्यूज़ आगरा।